आज हम बनाएंगे छोले और मटरे की रेसिपी जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। मटरी एकदम कुरकुरी और खस्ती बनकर के तैयार होगी और यहाँ पर छोला को भी हम इतना बढ़िया बनाएंगे कम तेल और मसाले के साथ कि ये भी खाने में बहुत ही जबरदस्त लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और सभी दोस्तों को राधे राधे। चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम छोला बना लेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम देखिए ये सफेद वाला मटर ले लिए हैं जिसको हम रात भर भिगो करके रख दिए थे। इसे 7 से 8 घंटा तक भी आप भिगो कर ले सकते हैं जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। तो मटर यहाँ पे हम 500 ग्राम लिए हैं और यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज, 2 टमाटर और हरी मिर्च 2 ले लिए हैं, 1 गांठ लहसुन को छील लिए हैं और अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं। बस अब हम छोला को बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम कुकर में छोले को बना करके तैयार करेंगे और यहाँ पर हम डायरेक्ट कुकर में ही मसाले को भूनेंगे। तो यहाँ पर हम सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच डाल दिए हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ये खड़े मसाले डाल देंगे जैसे कि बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और 1 साबुत लाल मिर्च और यहाँ पे तेज पत्ते डाल दिए हैं। और यहाँ देखिए हमने ध्यान नहीं दिया था और ये हमारा तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। आप फ्लेम को थोड़ा लो ही रखिएगा जिससे कि आपका तेल ना जल जाए। तो यहाँ पे हम सब खड़े मसाले डाल दिए हैं और साथ ही हम इसमें 5 फोरन भी डाल दिए हैं। ये अच्छे से चिटक गए हैं और यहाँ देखिए ये हम प्याज को चॉप करके डाल दिए हैं जिसे कि आप बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसमें हींग भी डाली थी लेकिन आपको वीडियो में दिखा नहीं पाए हैं, तो आप इसमें हींग जरूर से ऐड करिएगा जिससे छोला में टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा और साथ ही साथ ये डाइजेस्ट होने में भी बहुत मदद करता है छोले में, तो आप जरूर से ऐड करिएगा। तो यहाँ देखिए प्याज हमारा अच्छा गोल्डन हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर बारीक कट करके, इसे भी आप चॉप करके या यहाँ पेस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं टमाटर प्यूरी का। और इसी में हम अदरक और लहसुन को कूट करके डाल दिए हैं। चाहे तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे भी हम थोड़े देर ऐसे ही भून लेंगे चलाते हुए। इसी के साथ हम इसमें नमक डाल देंगे ताकि ये जो टमाटर और प्याज है हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और ये भून भी जाएगा जल्दी से जब नमक इसमें डल जाता है। तो इसी के साथ इसमें हम मसाले भी डाल देंगे। बस बेसिक से मसाले हैं हल्दी, धनिया और इसमें हम थोड़ी सी सब्जी मसाला भी डाल दिए हैं 2 चम्मच। तो यहाँ पे हम धनिया पाउडर जो है हम 4 चम्मच से इस्तेमाल किए हैं क्योंकि चम्मच हमारा थोड़ा छोटा था। अगर आप टेबल स्पून से ले रहे हैं तो 2 टेबल स्पून लीजिएगा धनिया और 1 टेबल स्पून इसमें सब्जी मसाला। इनको हम चला करके अच्छे से ढक दिए थे थोड़ी देर के लिए। देखिए हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया और प्याज भी सॉफ्ट हो गया है और मसाले से जो तेल है ना थोड़ा सेपरेट होने लगा है। तो इस तरह से हम थोड़ा देर तक और भूनेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर दिए हैं और यहाँ देखिए हरी मिर्च को हम ऐसे बीच में चीरा लगा करके इसमें डाल दिए हैं और इसमें हम 1 चम्मच गर्म मसाला डाले हैं। बस इतने ही मसाले से हम इस छोले को बना करके तैयार करेंगे और यहाँ पे इसे हम कंटिन्यूस चलाएंगे 2-3 मिनट तक ऐसे ही बिना ढके और इसे हम भून लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा जो मसाला अच्छे से भून गया है, इसका तेल भी अलग हो चुका है। इसके बाद हम इसमें ये मटर डाल देंगे। मटर को अच्छे से धुल लीजिएगा, इसमें कोई भी गंदा वगैरह न रहे क्योंकि मटर कभी कभी कीड़े वाले भी मिल जाते हैं, तो उसे आप अच्छे से बीन लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मटर को हम 2 मिनट तक भूनेंगे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम में और इसे हम भूनेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है भूनने से, तो इसे आप जरूर भूनिएगा। तो यहाँ देखिए ये 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी हम अपने हिसाब से डालेंगे। तो मटर का छोला है इसमें पानी थोड़ा अधिक लगता है और ये देखिए मसाले से तेल अच्छे से अलग हो गया है। तो ये हमारा छोला का जो कलर देख सकते हैं आप कितना बढ़िया आया है और ये अच्छे से भून भी गया है। तो पानी यहाँ पे हम 4 ग्लास के करीब डाल रहे हैं। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना मटर होगा उसी के हिसाब से। और ये छोला है तो इसमें थोड़ा पानी अधिक लगता है क्योंकि ये बाद में जाकर के गाढ़ा हो जाता है और यहाँ पे हमें मटरी के साथ इसे सर्व करना है। तो छोला जो है न ज़्यादा थिक न ज़्यादा पतला रखना है, मतलब मीडियम रखना है। तो यहाँ पर देखिए हम 3.5-4 ग्लास के करीब पानी डाल दिए हैं और अब हम सीटी लगा देते हैं। इसमें 6 से 7 सीटी आने देंगे और इससे हमारा मटर अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। तब तक हम यहाँ पे मटरी के लिए डो लगा करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा ले लिए हैं
और इसी से हम मठरी बनाएंगे। चाहे तो आप इसकी जगह केवल मैदा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आटा और मैदा हम दोनों को मिक्स करके लिए हैं। टेस्टी के साथ साथ इसे हम हेल्दी भी बना रहे हैं। यहाँ पर हम 1.5 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। आप इसकी जगह रिफाइंड ले सकते हैं। देसी घी का जो मयन है ना, वो बहुत ही टेस्टी लगता है और इसमें जो खस्तापन भी आएगा थोड़ा अलग आता है। रिफाइंड का खस्तापन थोड़ा कड़क सा हो जाता है, तो इसलिए आप कोशिश करके देसी घी का ही इस्तेमाल करिए। मार्केट में इसमें लोग वनस्पति घी डालते हैं, तो उससे भी इसकी क्रिस्पनेस जो होती है अच्छी होती है, उसमें कड़कपन नहीं रहता है। और यहाँ साथ ही इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ा सा अजवाइन को हम इस तरह से क्रश करके डाल देंगे और इसे हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके कोने कोने तक अच्छे से मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बहुत ही टेस्टी ये छोले मटरी की रेसिपी बता रही हूँ। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और ये देखिए, हमारा ये जो मोयन है लग करके तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सख्त डो लगा लेंगे। ज़्यादा सख्त भी नहीं, जैसे रोटी का आटा हम लगाते हैं उससे थोड़ा ये हार्ड रहेगा। बस आटा हमारा लग करके तैयार हो गया। इसे हम रेस्ट पर रख देते हैं थोड़ा देर के लिए ढक कर। चलिए तब तक हम छोला को भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, छोला के 7 सीटी हमारा आ चुका है और अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे। यहाँ देखिए, छोला हमारा बन गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख दिए थे और ये ठंडा हो गया है। इसका सीटी अच्छे से निकल गया है और इसका जो खड़ा मसाला है उसे हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हम खड़े मसाले डाले थे उसे हमें निकाल लेना है, नहीं तो खाते वक्त ये दांत के नीचे आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए, हमारा छोला जो है कितना बढ़िया बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको हम दिखा दें, ये छोला है जो अच्छे से गल चुका है और मटर आपको खड़ा खड़ा ही दिख रहा होगा, लेकिन ये मटर जो है अच्छे से पक चुका है। तो बस इतना ही सीटी लगाना है। कोई कोई मटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन कोई मटर थोड़ा टाइम लेता है। लीजिए, ये हमारा छोला एकदम बन करके तैयार हो गया है, टेस्टी और बिल्कुल मार्केट की तरह। और यहाँ पर अब हम मठरी को बना करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, आटा हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़े थे। एक बार इसे अच्छे से मसल लेंगे। और यहाँ देखिए, ये वीडियो हमारा थोड़ा स्किप हो गया था। तो यहाँ पर हम जो रोटी है बड़ा सा बेल लिए हैं, मतलब जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही पतली सी हम बेल लिए हैं। और ये एक कटर ले लिए हैं जैसे कि कटोरी, और इससे हम गोल गोल कट कर लेंगे। चाहे तो आप छोटी छोटी इसकी पूड़ियाँ भी बेल सकते हैं, उससे भी ये आसानी से बन जाता है और बहुत ही जल्दी इस तरह से बन जाता है। इसलिए मैंने इसको बड़ा रोटी बेल करके और कट कर लिया है, और छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलने में थोड़ा टाइम लग जाती है। तो चलिए, अब हम इन सबको अलग कर लेंगे और अब ये जो एक्स्ट्रा आटा बचा है उसको हम आटे में मिला देंगे। और यहाँ देखिए, ये पूड़ी को हम छोटी छोटी ले लिए हैं और अब हम ले लेंगे एक फॉक। तो फॉक के मदद से इसे हम बीच में इस तरह से होल करेंगे जिससे कि ये हमारी मटरी है वो फूले नहीं और अच्छी क्रिस्पी बने। तो यहाँ देखिए, इस तरह से आपको होल करना है पूरी को। सारे पूरियों को हम इसी तरह से होल कर लेंगे। अच्छे से जब ये होल हो जाएगा तो ये जो पूरी है वो फूलेगी नहीं और इससे ये पूरी एकदम खस्ती बनेगी, कुरकुरी बनेगी। यहाँ पे हम गैस पर पहले से ही कढ़ाई रख दिए थे और इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं। और ये जैसे समोसा आप तलते हैं बस उतना ही इसका तेल गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, अब इसमें हम सारी पूड़ियाँ डाल दिए हैं। एक साथ जितना आ सके उतना ही डाल दीजिए और इसको दबा दबा कर इस तरह से आप हल्के हाथों से पलटते जाइए और सेकते जाइए। और इसे फूलने नहीं देना है, नहीं तो जो पूड़ी है वो पूड़ी की तरह ही बन जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और ये देखिए, इसको हम उलटते पलटते इसको धीमी आँच में ही तल लेंगे, जैसे कि आप समोसा तलते हैं बस उसी तरीके से इसे अच्छा गोल्डन होने तक तल लेना है। तो यहाँ देखिए, ये हमारी जो एक बैच की पूरी मठरी है वो बन करके तैयार हो गई है। बस इसी तरीके से हम सारी मठरियों को बना करके तैयार कर लेंगे और ये हमारी मठरी बन करके
तैयार हो जाएगी। ये हम दूसरी बैच डाल दिए हैं, बहुत जल्दी बन जाता है, आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। इसी तरह से मठरी बना करके आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि आप इसका चाट भी बना सकते हैं या जैसे आप पापड़ी चाट होता है वैसे भी इसे बना करके खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। इसे चाय के साथ भी आप खा सकते हैं। इसे आप स्टोर करके 10 से 15 दिन के लिए रख सकते हैं, इसे चाय के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी सारी मठरियाँ बन करके तैयार हो गई है, देखिए कितनी अच्छी मठरी बनी है, एकदम क्रिस्पी। तो चलिए मैं इसे आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है और एकदम सॉफ्ट भी है। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी ये मठरी बनी हुई है और बहुत ही सॉफ्ट भी है। तो देखिए इसे हम अब सर्व कर लेते हैं छोले के साथ, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा गर्मा गर्म छोले के साथ जब आप ये मठरी सर्व करेंगे। तो यहाँ देखिए हम छोला को पहले से ही प्लेट में लगा लिए हैं, देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल है। और यहाँ पे ये मठरी भी रख देते हैं, थोड़ा सा हम छोले में डाल देंगे ये भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हम काला नमक डाल देंगे। तो ये हमारा छोला है जो बहुत ही टेस्टी बना है, और थोड़ा सा इसमें हम प्याज डाल देंगे, अगर आप खाते हो तो ज़रूर से डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है, ये चॉइस आपकी है। तो यहाँ हमारा छोला और मठरी बन करके रेडी हो गया है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारी ये रेसिपी? अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक नई नई रेसिपी लेकर के आती रहूँगी ऐसे ही इजी सी। आप हमारे वीडियो को एंड तक देखें, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।